स्वागत है आपका इंग्लिश नोट्स चैनल में। आज हम आपको पढ़ाएंगे अवर यूनिवर्स। देखिए अवर यूनिवर्स, तो यूनिवर्स माने जो स्टार्स प्लैनेट्स सन को मिला के जो हमारे पूरे अर्थ के ऊपर है, इन सब को मिला के क्या बनता है हमारा यूनिवर्स। अब देखिए यूनिवर्स, तो यूनिवर्स में टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं। ओके, कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, नेपच्यून, सैटर्न, और क्या होता है, मार्स बताया, अर्थ बताया, जुपिटर और उरनस। तो कितने हो गए टोटल? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल 8 हो गए। माने अपने पूरे प्लैनेट में बस 8 प्लैनेट्स हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सन। सन इज द बॉल ऑफ फायर। सन एक बॉल की फायर है, इसकी फायर की बॉल। हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं सब सन के ऐसे ऐसे घूमते हैं। तो आप दिखाइएगा, आप देखिएगा या फिर दिखाइएगा किसी को डायग्राम, उसमें डाल दीजिएगा द डायग्राम ऑफ यूनिवर्स, तो उसमें दिखाएंगे आपको। ओके, या फिर द डायग्राम ऑफ प्लैनेट्स। और एक होता है न्यू मून, एक होता है मून। लेकिन न्यू मून क्या होता है? न्यू मून जब नया मून होता है तो वो हल्का हल्का काला काला दिखता है, और जब मून बिल्कुल सफेद दिखता है फुल मून उसको कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा स्टार। देखिए स्टार कैसे, स्टार आप दूर से देखेंगे तो आपको बहुत छोटे लगेंगे। जैसे मान लीजिए आप मुझे दूर से देखो, आपको बहुत छोटू सा लगेगा। जैसे आप अपने घर में हो, आप बहुत दूर तक देखो कुछ आप वो होगा तो इतना बड़ा है, जैसे इतना बड़ा होगा आपको देखेगा ये तो इतना है इतना सा। तो देखिए जब आप एरोप्लेन में जाते हैं तो आपको तो पूरा जब जो आप नीचे देखते हैं आपको तो सब कुछ छोटा छोटा दिखता है ना, वरना आपको दूर से सब छोटा दिख रहा है। जैसे स्टार्स है, आपको स्टार्स दूर से छोटे दिखेंगे लेकिन बहुत बड़े। और जो मून है, तो अर्थ तो सन के आसपास घूमती है, अर्थ के आसपास मून घूमता है। और देखिए मून के पास अपने खुद की रोशनी नहीं है, वो क्या करती है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ बनाइए अर्थ बनाइए, यहाँ पे सन बनाइए। ओके, देखिए यहाँ अर्थ, यहाँ सन, और यहाँ पे आप बना लीजिए मून, ट्रायंगल टाइप। ठीक है, तो आप मैं आपको बता दूँ, देखिए आप बना दिए आपको। ठीक है, देखिए जो सन है, सन से लेके लाइन खींच दीजिए आप मून तक, मून से अर्थ तक, अर्थ से वापस सन तक। माने पहले सूरज से, माने सन से आती है लाइट मून तक, फिर मून की लाइट जाती है अर्थ तक। तो जैसी रात हो जाती है तो अर्थ की लाइट चली जाती है वापस मून पर। ऐसे चलता रहता है। मतलब क्या होता है कि यहाँ ऐसे, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मून के पास अपने खुद की रोशनी नहीं होती, चाहे आप जितना कहें मून के पास खुद की रोशनी है, रात को चमकता है, वो सन से रोशनी लेता है फिर हमारी अर्थ में डालता है, फिर हमारी अर्थ उसको के बाद जब सुबह होती है तो उसको वापस करती है। तो मैंने आज आपको पढ़ाया अवर यूनिवर्स। तो चलिए मैं आपसे फिर मिलूँगा अगली वीडियो में। लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा।